परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो डायग्राम ड्रॉ करें प्लीज़। इस डायग्राम में एक मास लें m1, m1 मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ u1, m1 मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ u1, एक और मास लें m2, m2 लाइंग एट रेस्ट, ठीक, m2 लाइंग एट रेस्ट। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कैसी चल रही है? प्रॉब्लम ऐसी है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉल है, दूसरी बॉल है, एक बॉल आई, एक कॉन्सेप्ट है जिसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कि जो दो बॉल्स का सेंटर है वो एक, जो लाइन जो उनको ज्वाइन करती है उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। तो कोलिजन हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के हिसाब से चलती है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, अगर एक बॉल है और दूसरी बॉल है और ये बिल्कुल स्ट्रेट हेड ऑन टक्कर मारती है, ये 2D कभी बन नहीं सकती। 2D कैसे बनेगी? ये तो 1D बनेगी। 2D कब बनेगी? जब थोड़ा सा एक ऊपर बॉल होगी और एक थोड़ी सी नीचे होगी तो एंगल बना देगी। ऐसे ही होता है, आप कैरम भी खेलते हैं तो कई बार वो बिल्कुल सीधी चली जाती है और कई बार किसी एंगल पे, आप वो पूल टेबल है, कई बार बॉल सीधी जाती है, कई बार एंगल पे, डिपेंड करता है कैसे हिट हुआ। तो इस बार ये टेबल है, कई ऐसा सोचते हैं डायग्राम, ऐसा नहीं है, ये टेबल का डायग्राम है। एक बॉल आएगी, दूसरी बॉल को हिट करेगी, एक बॉल इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। तो ये मैं डायग्राम जो बना रहा हूँ वो टॉप व्यू है, टेबल का टॉप व्यू यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो इसमें सपोज ये बॉल आई, ये बॉल आई ऐसे, और ये जो बॉल है, एक बॉल इधर चली गई और एक बॉल इधर चली गई कुछ ऐसे, एक बॉल यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो। मान लो m1 इधर चली गई विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, m2 इस तरफ चली गई विद अ वेलोसिटी ऑफ v2, सच दैट इनका जो एंगल है, इसका एंगल θ1 है और इसका एंगल θ2 बना लें। एक एंगल θ1 है, एक एंगल θ2 बना लें। ठीक है, अब हम 2D कोलिजन करने जा रहे हैं, तो सेपरेशन θ1 θ2 एंगल पर सेपरेशन है। हाँ, मतलब इसने इसको टक्कर मारा और ये बॉल ऐसे जा रही है, ऐसे है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कोई भी कोलिजन होगी उसका टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले और बाद हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसमें भी सेम रूल है, सेम रूल है, मोमेंटम टक्कर से पहले, टक्कर के बाद कांस्टेंट रहेगा। पर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब xy प्लेन में काम करती है तो उसको x में अलग और y में अलग सॉल्व किया जाता है। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें मोमेंटम की जो वैल्यू है वो x के अंदर और y के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होंगी। मैं इसमें x के अलोंग भी मोमेंटम कांस्टेंट रखूंगा और मैं इसमें y के अलोंग भी कांस्टेंट ही रखूंगा, ऐसे। तो मैं इसमें x के अलोंग और y के अलोंग मोमेंटम क्या रखूंगा? कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब यही बना, एक्स के अलोंग भी मोमेंटम कांस्टेंट है, वाई के अलोंग भी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। इसमें मतलब इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन की दो इक्वेशन बनेगी, पहली एक्स एक्सिस में और दूसरी वाई एक्सिस में। इसका मतलब ये है, कैसे सिखाता हूँ अभी। उसके पहले एक काम करें आप, इसमें ये फाइनल मोमेंटम m1 v1 है, इसके दो कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करें। एक कॉम्पोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ऐसे। कितना? m1 v1 cos ऑफ θ1, यहाँ पे m1 v1 sin ऑफ θ1। तो मोमेंटम का जो एक कंपोनेंट है m1 v1 cos θ1, m1 v1 sin θ1। उसी तरीके से m2 v2 का भी कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट जो बनेगा एक इस तरफ बनेगा, m2 v2 cos of theta 2, m2
वी टू साइन ऑफ थीटा टू। तो कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करें प्लीज, कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करें। ठीक है यहाँ तक, तो इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है यहाँ तक। अब क्योंकि मैंने M1 V1 के कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, तो मुझे M1 V1 में काम करना ही नहीं है, क्योंकि अब मैं काम किस में करने वाला हूँ, इनके कंपोनेंट्स में करने वाला हूँ, बात ख़त्म। तो मैं ये हटा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आप ये एक चीज़ देखो, मैंने इसे हटा दिया ऐसे, ये लो ऐसे हटा दिया, तो मेरे पास एक्चुअल में ये चार वेक्टर्स हैं बस। सही है यहाँ तक। तो अब एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं यहाँ लिखूंगा, अब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट करूंगा। ध्यान से देखना कैसे, इस बॉल की टक्कर होने से पहले जब मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखना है, एक्स के अलोंग, आपने वाई में देखना ही नहीं। टक्कर से पहले इस बॉल का मोमेंटम एक्स में कितना है, M1 U1, क्योंकि वो एक्स में ही जा रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा, M1 U1। सेकेंड बॉल का मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि ये किस पे पड़ा हुआ था, एट रेस्ट। तो टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम एक्स के अलोंग कितने है, M1 V1 कॉस ऑफ थीटा वन, और सेकेंड बॉल का M2 V2 कॉस ऑफ थीटा टू, इक्वेशन नंबर वन। तो एक्स के अलोंग जब मैं बोलता हूँ मोमेंटम कॉन्स्टेंट, समझ में आता है क्या कर रहे हैं, तो एक्स के अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट में सिर्फ एक्स के अलोंग इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर देना, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब उसी तरीके से अब मैं मोमेंटम किसके अलोंग कंजर्व करूंगा, वाई के अलोंग। ठीक, अब मोमेंटम वाई के अलोंग देखें, वाई के अलोंग अगर मोमेंटम कंजर्व करना है तो ध्यान आगे, ये देखो क्या करेंगे, फिर से टक्कर से पहले वापस चलो, टक्कर से पहले बताओ फर्स्ट बॉल का मोमेंटम वाई में कितना है, कितना, इस बॉल का मोमेंटम वाई में कितना है, जीरो, वो वाई में मूव ही नहीं कर रही, वो तो मूव ही एक्स में कर रही है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका क्या, ये तो रेस्ट पे है, जीरो। अब फाइनल मोमेंटम बोलो, y में इस बॉल का मोमेंटम कितना है, m1 v1 साइन ऑफ थीटा वन, एंड इस बॉल का कितना है, माइनस m2 v2 साइन ऑफ थीटा टू, माइनस इसलिए क्योंकि टोटल मोमेंटम क्या आना चाहिए, जीरो, और वो तभी आएगा जब ये वेक्टर इस वेक्टर को क्या करेगा, कैंसल। समझ में आ रहा है y का मोमेंटम कैसे करना है, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर टू। तो x का मोमेंटम कंजर्व करना आ गया, y का मोमेंटम कंजर्व करना आ गया, तो x का मोमेंटम कंजर्व हो गया, y का मोमेंटम कंजर्व हो गया, और क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, कोई लॉस नहीं है। तो तीसरी क्वेश्चन कहाँ से बनेगी, काइनेटिक एनर्जी से। देखो काइनेटिक एनर्जी से कैसी क्वेश्चन बनेगी, इसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी से बोलो, टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी, टक्कर के बाद सेम, क्या मैं इसको भी x और y एक्सिस के अलोंग लगाऊं, नहीं, क्यों, क्योंकि काइनेटिक तो स्केलर है, इसमें कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत है ही नहीं। सीधा बोलो, टक्कर से पहले पहली बॉल की एनर्जी कितनी है, हाफ M1 U1 स्क्वायर, और सेकंड की जीरो, टक्कर के बाद कोलिजन के बाद हाफ M1 V1 स्क्वायर, हाफ M2 V2 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर थ्री। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आ जाए इलास्टिक कोलिजन इन टू डी का, तुम्हारे पास तीन इक्वेशंस हैं, कोई भी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन तीन से ही सॉल्व होगा, कोई फॉर्मूला नहीं शॉर्टकट इसका, कोई और तरीका नहीं है, बस यही तीन इक्वेशन बनेगी हर क्वेश्चन में, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बात खत्म। पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं यहाँ तक,